राइट, सो जस्ट 5 मिनट्स पहले ही मैंने ली है हेयर कट, और वो भी घर में. सो मेरी मम्मी ने आज मुझे ट्रिम करके दिया है मेरे बालों को, एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैंने अपने बालों को ट्रिम किया है. ट्रस्ट मी, आई एम लविंग माई हेयर कट. हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल. सो कि जैसा कि मैंने बताया है कि जस्ट नाउ मैंने अपनी हेयर को ट्रिम की है, एंड वो भी घर में. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूं. एंड इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि हाउ टू ट्रिम योर हेयर बाय योरसेल्फ, कैसे आप अपने आप ही अपने बालों को ट्रिम कर सकते हो घर में. आज इस वीडियो में मैंने खुद ट्रिम नहीं किया है, मेरी मम्मी ने मुझे ट्रिम करके दिया है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि क्योंकि बहुत लोग खुद अपने हेयर को ट्रिम करने में कम्फर्टेबल नहीं होते हैं. एंड अगर आप भी उनमें से हो, एंड अगर आपके फैमिली मेम्बर्स से किसी से भी आप हेयर कट लेना चाहते हो, तो आप तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, या फिर उनको ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप बता सकते हो, जिससे कि वो आपकी हेयर ट्रिमिंग में हेल्प कर सकें. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल. एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैंने बालों को ट्रिम किया है. लास्ट ईयर नवंबर में ही मैंने हेयर बालों को ट्रिम किया है, एंड इसके बाद अभी जुलाई चल रही है, एंड अभी जुलाई में मैंने ट्रिम किया है. सो बहुत दिनों का गैप है, इसीलिए इस वीडियो में मैं कुछ हेयर ट्रिमिंग से लेके या फिर हेयर कट से लेके कुछ मिथ्स भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स है रिलेटेड टू हेयर ट्रिमिंग, एंड आप उन मिथ्स को फॉलो करोगे या फिर कर रहे हो तो आपकी हेयर ग्रोथ तो होगी ही नहीं. तो यस, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हेयर ट्रिमिंग के साथ साथ मैं टिप्स ट्रिक्स मिथ्स सब ब्रस्ट करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हेयर ट्रिमिंग करने से पहले ना आपको कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी है. सो सबसे पहला टिप ये है कि ऑयलिंग किए हुए बालों में आपको हेयर कट नहीं करनी है. यस, आपने सुना होगा या फिर आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम सैलून में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप पहले हेयर वॉश कर लो शैम्पू से, या फिर आप हेयर वॉश करके फिर आओ टू ट्रिम योर हेयर. क्योंकि अगर आप शैम्पू करने के बाद अपने बालों को ट्रिम करोगे तो वो बहुत ही अच्छे से होती है, एंड बहुत बिल्कुल भी अनइवन नहीं रहती है. ओके, सो सबसे पहला टिप यही है कि जिस दिन आप हेयर कट करोगे उससे एक दिन पहले आप अपने बालों को शैम्पू ज़रूर कर लीजिए. एंड सेकेंड जो टिप है वो है कि आप सबसे पहले जब भी आप हेयर ट्रिमिंग कर रहे हो, आप डिसाइड कर लो कि कितना लेंथ आपको ट्रिम करनी है, एंड जितनी आपको ट्रिम करनी है उससे कम पहले आप ट्रिम करो. क्योंकि एग्जैक्टली अगर आपको इतना ट्रिम करना है, एंड यहाँ से ही अगर आप ट्रिम करना स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा कि अगर थोड़ा सा अनइवन रहे तो फिर से उसे मैच करने के लिए आपके बालों को थोड़ा सा कट करनी होती है, तो लेंथ और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इतना ट्रिम करना चाहते हो तो आप पहले आप सिर्फ इतना ट्रिम करो, एंड फिर इसके बाद अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा और ज़रूरत है, देन आप फिर से कर सकते हो. ओके, क्योंकि एक बार ट्रिम करने के बाद थोड़ा सा टचअप देने के लिए, थोड़ा सा इवन स्ट्रेट लुक देने के लिए हमें फिर से थोड़ा सा ट्रिम करनी पड़ती है बालों को. थर्ड जो टिप है वो मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब भी आप अपने घर में ही ट्रिम कर रहे हो अपने बालों को, आप डिफाइंड हेयर कट्स इतनी ज़्यादा ट्राई ना करो तो अच्छा होगा. क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा प्रो हेयर स्टाइलिस्ट तो नहीं है कि हम घर में ही वी कट यू कट, चलो वी कट यू कट तो हो जाता है, बट स्टेप कट एंड और भी बहुत ज़्यादा कट है, मुझे नहीं पता, मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ. तो ये सही डिफरेंट हेयर कट्स आप अगर प्रोफेशनल हो तो ही आप ट्राई करो, अदरवाइज नो. सिर्फ यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिया एंड आपने ट्राई कर लिया, ऐसा नहीं करना है. क्योंकि अगर अच्छी हुई तो इट्स वेरी गुड, एंड अगर बुरी हुई तो आपको और भी बालों को ट्रिम करना होगा, एंड आपकी हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी, विच वी डेफिनेटली डोंट वॉन्ट. तो ये तो थी एक रीज़न. एंड और एक रीज़न ये है कि जब भी हम लेयर्स में हमारे बालों को कट करते हैं ना, तो कुछ दिनों के बाद जब हमारी हेयर ग्रोथ होती है तो वो बहुत ही अनइवन काइंड ऑफ ग्रोथ होती है, कुछ हेयर शॉर्ट होती है, कुछ हेयर लॉन्ग होती है. तो इसके बाद जब आप ट्रिम करने जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बालों को ट्रिम करना पड़ता है, जिससे कि आपकी हेयर लेंथ जो है वो भी शॉर्ट हो जाती है. सो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप स्ट्रेट हेयर कट लो, या फिर यू हेयर कट इज़ ऑल्सो ओके. इस तरीके की कोई अगर हेयर कट लोगे तो बेस्ट है मेरे हिसाब से. एंड नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, येट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप बालों को ट्रिम करोगे घर में, उससे पहले आप अपने बालों को अच्छी तरीके से कॉम कर लो, बालों को सुलझा लो, एंड इसके बाद ही आपको ट्रिम करनी है. एंड इसके साथ ही और एक टिप आपको फॉलो करनी है, वो है कि हेयर ट्रिमिंग करने से पहले आप अपने बालों को मिडिल पार्टीशन ज़रूर कर लो. मिडिल पार्टीशन आप करोगे एंड इसके बाद ही आप बालों को ट्रिम करोगे, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है. सो मेरी हेयर ट्रिमिंग का वीडियो को देखने से पहले लेट मी शेयर विद यू सम हेयर मिथ्स, जो हम ऑफनली हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत लोग इसे फॉलो भी करते हैं. सो फर्स्ट हेयर मिथ ये है कि हर 2-3 मंथ्स में हमें अपने बालों को ट्रिम करना चाहिए.
टू सम एक्सटेंट मैं इस पॉइंट को मानती हूँ, बट ज़्यादातर ये पॉइंट मुझे इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं लगती है। मैं इसे थोड़ा सा मानती हूँ इसीलिए क्योंकि अगर आपके बाल हेल्दी नहीं है, अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आई है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ है, डैमेज है, तो ही आपको 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स या फिर जब भी आपके बाल ड्राई डैमेज होती है तब आपको हेयर को ट्रिम कर लेनी चाहिए। बट अगर आपके बाल हेल्दी है, बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं है, बालों की ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर 2 मंथ के बाद बाद आपको अपने बालों को ट्रिम करना चाहिए। सेकेंड मिथ ये है कि अगर हम रेगुलरली बालों को ट्रिम करेंगे, यानी 2 मंथ्स के गैप, 6 to 12 वीक्स के गैप में अगर हम बालों को ट्रिम करेंगे तो हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी बिग मिथ, ये ट्रूथ नहीं है, क्योंकि बालों को हम कट करते हैं एंड के पार्ट से, यानी यहाँ से कट करते हैं, एंड हमारी हेयर की ग्रोथ होती है रूट्स से। तो हेयर, तो अगर आप लेंथ को कट करोगे तो रूट्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी जो भी नॉर्मल हेयर ग्रोथ की स्पीड है उतनी ही ग्रोथ रेट में आपकी हेयर की ग्रो होगी। सो गाइज, दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स बिफोर द हेयर कट। हेयर कट करने से पहले मेरी हेयर की कंडीशन कुछ ऐसी थी, एंड मेरी हेयर लेंथ आप देख सकते हो, हेयर लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो हाँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किया है मिडिल पार्टीशन, जैसे मैंने टिप्स में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड यहाँ पे मेरी मम्मी सबसे पहले कर रही है मेरे बालों को कम, सो ये तो आपको करनी ही है, ये भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। एंड इसके बाद जो मैंने बताया था कि आपको डिसाइड करनी है कि कितनी लेंथ आपको कट करनी है, सो मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे इतना ही कट करनी है। एंड कॉम को कुछ इस तरीके से प्लेस करके, यहाँ पे मैं मम्मी को हेल्प कर रही हूँ कॉम को पकड़ने में, इस तरीके से कॉम को रख के अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लुक भी आती है। वैसे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो सिर्फ फिंगर टिप्स से बालों को इस तरीके से पकड़ के भी आप कर सकते हो, लेकिन कॉम से अगर आप करोगे तो ज़्यादा स्ट्रेट लुक आती है। ओके, सो और एक मिथ यहाँ पे ये है कि बहुत लोगों की स्प्लिटेंस होती है, एंड स्प्लिटेंस होने के बाद बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, एंड उन्हें लगता है कि होम रेमेडीज़ ट्राई करने के बाद स्प्लिटेंस जो है वो मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। 2 मुहे बाल एक साथ कभी भी नहीं मिल सकते हैं। सो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको करनी है बालों को ट्रिम, एंड या एंड स्प्लिटेंस को प्रिवेंट डेफिनेटली आप कर सकते हो अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो करके। तो या ये भी मिथ मुझसे मिस हो गई थी तो मैंने यहाँ पे अभी शेयर कर दिया है। एंड ट्रिम, एक बार ट्रिम करने के बाद ना आप बालों को अच्छी तरीके से कॉम कर लो, एंड कॉम करने के बाद अगर आपको लगती है कि थोड़ी सी अनइवन है, एकदम स्ट्रेट नहीं हुई है, तो फिर से थोड़ा सा आप नीचे से स्ट्रेट कर सकते हो। ओके, बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा ही अनइवन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊँची नीची हो जाती है हेयर स्टाइल, तो सॉरी हेयर कट, तो इसीलिए मैंने बताया था कि टिप्स में सबसे पहले आपको थोड़ा सा हेयर कट करनी है, एंड इसके बाद ही आप फिर से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, एंड आप देख सकते हो बहुत ही इजीली स्ट्रेट भी हो गई है मेरे बाल। एंड या इस तरीके से आप भी घर में कर सकते हो अपनी हेयर की ट्रिमिंग, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वही आपको फॉलो करना है, एंड दैट्स इट। एंड हेयर को ट्रिम करने के बाद आप देख ही सकते हो मेरी हेयर लेंथ शॉर्ट तो हुई है डेफिनेटली, बट कोई नहीं, ये फिर से ग्रो हो जाएगी। एंड इतना मैंने लेंथ ट्रिम की है, आप वीडियो में देख सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है ट्रिम करने का, बट कोई नहीं, मैं फिर से अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो करूँगी, जिससे कि मेरे बाल जो है वो फिर से ग्रो हो जाएगी। एंड वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ। वैसे नवंबर में जब मैंने हेयर कट की थी ना, तब मैंने इससे भी ज़्यादा शॉर्ट हेयर कट की थी, इसके बाद बहुत सारी रेमेडीज़ फॉलो करके मेरी बाल जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई थी, तो इस बार भी मैं वो फॉलो करूँगी। एंड और एक क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आ रही होगी कि मैं साल में कितने टाइम के गैप में मैं हेयर कट करती हूँ, तो एक्चुअली ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, फिक्स नहीं है। मैं ज़्यादातर एक साल में अप्रॉक्स 2 बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार मैं ट्रिम करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड हेल्पफुल लगी है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।